शुरका के हाथ में और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हाथ में देखी हैं, जिसमें आप ये कह लें तवा है, आटा गूंदने वाला जो है वो एक प्लेट सी होती है वो उनके हाथ में है, झाड़ू वगैरह पकड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि ये अपने हक लेने निकले हैं। और जो मसीही बरादरी ख़ास तौर पर जो हाथरों तबका है उनके साथ भी ये इजहार यकजहती कर रहे हैं और शुरका पहले से कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि एक दो तलबा तंजीमें भी इनके साथ मिली हैं। फिर जो हाकरोब तबका है वो भी बड़ी तादाद में इस रैली में शरीक है। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के ख़िलाफ़ यहाँ पर खूब नारेबाजी हुई है और जितनी भी सियासी जमातें हैं हम ये नहीं कह सकते कि उनके लीडरशिप के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं हुई। बाकायदा यहाँ पर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हैं, उन सब के लीडर के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर नारेबाजी हुई है। ये जो एहतजाज है ये फैसल चौक पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। मेन इनका मुतालबा ये है कि मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए और जो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार घूम फिर रही है उन्हें रोज़गार मैसर आना चाहिए। पहले तो ये था कि शायद ये मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी का नारा लेकर ही मैदान में आए हैं, लेकिन अब इन्होंने अपना मोटो नारा बदल लिया है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इसमें वही अनासर शरीक हैं जो औरत मार्च में हमें दिखाई दिए, जो अलहमरा हाल में हमें दिखाई दिए और जिनका एक आप ये कह लें कि पोटी बड़ी मशहूर हुई थी, फैज़ साहब की जो पोटी इन्होंने पढ़ी थी और फिर एक जो बिस्मिल हैं उनकी पोटी थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इस तरह के तो कोई तराना हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया, लेकिन एक नई चीज़ ये नज़र आई है कि स्टूडेंट बड़ी तादाद में इसमें शरीक हैं और अपने हकूक हुकूमत से मांग रहे हैं। हैं ना, अब तक नू फेवर देना छोड़ दी है क्योंकि तू तो ये वजह ना थोड़े रिपोर्टर भैन जो कोई दफ्तर जो रिपोर्टर कौन नहीं कौन वो मेरा बटवा तो नहीं निकल गया